सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है फिर से आपका मेरे नए ब्लॉग के अंदर। तो अभी मैं निकल रहा हूँ मुंबई के लिए। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख चुका होगा और थंबनेल में आपको पता लग गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और मेरे साथ में है साहू भाई। साहू भाई, कैसी रहेगी अपनी आज की जर्नी? एकदम मस्त रहेगी, ठीक है? तो फिर निकलते और अपनी बाकी की टीम यहाँ पे सब लोग खड़े है ना। तो अपनी गाड़ी आ चुकी है और फटाफट से बैठते हैं गाड़ी के अंदर। ए संजय, संजय संजय बोल, टिकट 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 टिकट। ये हमारा टिकट कंडक्टर है गाड़ी का। अरे ये टिकट वाले का ड्रेस ही नहीं है। इधर है, किधर है बैच, किधर है तेरा? टिकट निकाल रहा है विदाउट ड्रेस का, देखो खुद का टिकट निकाल रहा हूँ। सो वेल गाइस, फाइनली अभी हम लोग हैं बेंगलोर स्टेशन पे और अभी अलविदा बेंगलोर कहने का टाइम आ चुका है। तो अपने साथ है अपनी पूरी पब्लिक। हमारे साथ है शिवा भाई और सत्या भाई और कौन कौन है? संजय भाई। चश्मे में कुछ ज्यादा ही काला दिख रहा है मेरे को। कौन नहीं आया? आ जा, आ गया क्या टाउन में भी? एमजी स्टैंड का फैन है ये। अभी हम बी टाउन में, ये अपना इधर पे बस स्टैंड है। सो वेल गाइस, अभी हम लोग है बेंगलोर स्टेशन पे। तो जो लगेज हम लोग का है वो हमारे सारे साथियों के पास रख दिया गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं मैसूर। क्या लेने जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं मैसूर पाक लेने और नान खावा लेने, जो कि यहाँ का सबसे फेमस स्वीट्स है, राइट? तो वो लेते हैं और फिर कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आगे का जो वीडियो है वो कंटिन्यू करते हैं और हमारे जो साथी है पीछे आपको हाथ दिखा रहे, तो अखिलेश यादव, ठीक है? अखिलेश यादव। अगले नेता है क्या यूपी के? अगले नेता है, ठीक है? तो वीडियो फिर कंटिन्यू करते। गाइस अभी हम लोग खा रहे हैं कचौरी। शाओ भाई, हुसैन भाई, कैसा है कचौरी का टेस्ट? अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। मस्त है। तो चलो कचौरी फटाफट खाते। क्या बोल रहे? स्पाइसी है। तुमने अभी तक टेस्ट भी कहाँ की है? हाँ, अच्छा है, देखा एक नंबर। बादाम मिल्क, लो सन भाई।
सो वेल अभी हम लोग हैं KSR बेंगलोर स्टेशन पे और जो लगेज है हमारा पूरा हमारे टीम के पास है। क्या है लगेज टसा दिए? नहीं लगेज टसा ही नहीं है, लगेज हमारे टीम के पास है और हम लोग यहाँ पे थोड़ा राउंड अप मारे बिकॉज हमारी जो ट्रेन है दो घंटे लेट है तो रात में नहीं। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं कैसा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है तो 2.5 घंटा गाड़ी लेट है, गाड़ी का वेट कर रहे हैं और थोड़ा स्टेशन पे टहल भी रहे हम लोग। आएगी अभी बज रहे हैं पूरे 4:30। कितने बजे आएगी ट्रेन? कितने बजे आने वाली ट्रेन? 5:15 बजे। तो 5:15 की ट्रेन है, अभी बज रहे 4:30 तो पूरा 45 मिनट बाकी है और तो फिर देखते वेट करते। ठीक है ये लोग यहाँ से जाएंगे और यहाँ से आएंगे। ट्रेन हो गई लेट और ये लोग कर रहे स्टेशन पे मस्ती। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये देखिए यहाँ से जा रहे ले, इधर से आएंगे लोग, ये बाजू से इस साइड से ऊपर जाएंगे। इतना मजे ले लेके चढ़ रहे, देखना लोग बोले ट्रेन लेट है, अपन भी आराम से चलेंगे। ये उल्टा जाएगा? नहीं नहीं शायद नहीं जाएगा। जाओ ना भाई जाना, अपने आ रहे आ रहे आ रहे जा जा आ जाएंगे वो लोग। जा ये हो गए मजे ले लिए क्या? वेल गाइस फाइनली अभी हम लोग हैं ट्रेन के अंदर और अभी ट्रेन रुकी भी है, थोड़े टाइम में स्टार्ट हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन में बैठ चुके हम लोग, हर किसी को अपनी अपनी सीट मिल गई है तो करते सफ़र को एंजॉय है ना, लॉक पर रखते कंटिन्यू। ठीक है खेल रहे और हुसैन भाई मैं दोनों सबका खाना हो चुका है। क्या है ये देख सकते हो, चांदू भाई अपना सो रहा है
ये सो रहा था इसको उठा दिया हम लोग ने, ये सो रहा था। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। इसको उठा दिए, सो रहा था, इसको उठा दिए, इसकी नींद ही खराब कर दिए। ये अभी ना वीडियो कॉल करके जस्ट अभी सो गया। क्या कर दे, खाना नहीं खाएगा? तो वीडियो कंटिन्यू रखते हैं, मिलते फिर, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग है और फटाफट से भी मैं सात बज लेता हूँ, ठीक है। सात बहुत बस लेते हैं और फिर उसके बाद तो बात करते हैं, ठीक है। वेलकम टू पूना जंक्शन। नहीं कर पाया, थोड़ा जल्दी में थे, ट्रेन लगी हुई थी तो, और काफी थक गए। हाँ वो तो है, बिकॉज ऑफ ट्रैवल बहुत भारी पड़ा कल से अभी तक का। तो ठीक है, काफी थक चुके हैं, फटाफट से घर जाते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं और भूख भी लगी है तो फटाफट से खाना भी खा लेंगे, ठीक है। हे गाइस, फाइनली अपन अपने घर पे पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, और हम लोग पहुंचे हैं लगभग 2:30 बजे। उसके बाद में खाना वगैरह खाए, आराम किए और अभी उठे हैं सो के, तो सोचा कि थोड़ी बातचीत कर ले आपसे। तो कैसा लगा आप लोगों को ये पूरा ब्लॉग, फटाफट से मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।